Hey guys, welcome to the another vlog of my channel. तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ अपने इस पीसी के लिए एक ग्राफिक कार्ड खरीदने के लिए, क्योंकि अभी तक मेरे पीसी में कोई ग्राफिक कार्ड नहीं था। मेरा जो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है AMD Ryzen 5600G, तो उसी में ग्राफिक कार्ड मिला हुआ था, जो कि अब मेरे लिए परफॉर्मेंस में थोड़ा कमी दे रहा है। क्योंकि उस दिन जब मैंने कहा था कि मैं वाटर पार्क घूमने के लिए गया था और वहाँ का मैं व्लॉग डालूंगा, लेकिन मैं व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि वो जो व्लॉग था वो मैंने 4K में रिकॉर्ड किया था और वो 4K वाला वीडियो ना ही मेरे पीसी में एडिट हो पा रहा है और ना ही मेरे फ़ोन में। तो इसीलिए मुझे अब लगाना पड़ेगा एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड। तो बने रहिए व्लॉग के साथ, दिखाऊंगा आपको कि रांची में कहाँ पर बेस्ट प्राइस पर आपको मिल सकता है अच्छा अच्छा कंप्यूटर का कंपोनेंट्स। तो अभी हम लोग इस बैंक के ATM में आए हैं पैसा निकालने के लिए, मगर हम लोग गलती से अपने साथ में एक्सपायर्ड वाला ATM कार्ड ले आए थे, तो फिर यहाँ से पैसा नहीं निकलता है। तो अभी हम लोग अशोक नगर में पहुँचे हैं, यहाँ पर हम लोग लेने के लिए आए हैं अभिषेक भैया को। अभी हम लोग के पास ट्रिपल हेलमेट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कभी ट्रैवल करते हो तीनों हेलमेट लगा लीजिएगा। मेरे पास एक हेलमेट है तो थोड़ा देर में जाके लगाएंगे। नहीं है सॉरी, आप लगाएं ना टोपी, वही काफ़ी है। ये काफ़ी थोड़ा मोड़ा तो बचाएगा ना, क्योंकि फॉल डैमेज पास में ही जा रहे, इसलिए गाइस हेलमेट नहीं पहनना, लेकिन पहनना चाहिए मुझे। हाँ ये वीडियो स्किप कर देंगे। क्या हुआ नहीं। तो अभी हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं ट्रैफिक से बस बचा के, क्योंकि हमारे पास हम लेकर नहीं आ सकते। हाँ इसलिए आप लोग भी रूल्स का फॉलो कीजिए मेरा मतलब। हाँ ऐसे ही करिएगा आप लोग भी, अगर कभी आप लोग हेलमेट लेके नहीं आए तो ट्रैफिक जहाँ पे पकड़ने वाला पुलिस रहता है वहाँ पे पार हो जाएगा, उसके बाद फिर बैठ जाइएगा जाके। और हाँ चलते हुए सड़क पर ध्यान रखिएगा, अपने साथ एक बंदे को जरूर रखिएगा जो कि सड़क को देख रहा होगा। हाँ तो ऐसे ब्लॉगिंग करने से बंदा ब्लॉग बनाते जाएगा और दोनों का नज़र फोन में रहेगा तो हादसा तो हो सकता है। हाँ ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ओके तो मैं पहुँच गया हमारे ड्राइवर के पास, अब बैठते हैं और चलते हैं। पुलिस से बचने के चक्कर में हम लोग फिर से गली में घुस चुके हैं। और अभी आपको मेरे पीछे जो शॉप दिख रहा है वो MS धोनी सर के फ्रेंड का शॉप है। ये शॉप आपको MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी वाली मूवी में भी देखने को मिला होगा। तो अभी हम लोग MS धोनी सर के फ्रेंड के शॉप के अंदर है, जहां पर उनका साइन किया हुआ कुछ बैट्स है। और यहां पर जो टीवी आपको दिख रहा है ये वही टीवी है जिससे कि MS धोनी सर और उनके फ्रेंड्स यहाँ पर मैच देखा करते थे, और ये सीन आपको मूवी में भी दिखा होगा। अगर आपको यहाँ पे आना हो तो एड्रेस मेंशन कर देगा वो अच्छे से। और देखो रास्ते में हमें यहाँ पर नारुतो मिल गया, वो भी नए लुक में दाढ़ी मूंछ के साथ। तो यही है वो दुकान जिसके अंदर मिलेगा हम लोगों को अपना सामान। ये शॉप अभी इतना ज्यादा मेस्ड अप इसलिए लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पर रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, पहले ये बाहर की तरफ हुआ करता था। यहाँ पर से आपको कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ तक कि मैंने भी अपना PC बिल्ड यहीं से करवाया था। तो ये है अपना ग्राफिक कार्ड GB का 3060 आई है क्या, 3060 है। इस पर अभी सेल चल रहा है इसलिए हम लोग को 27,000 पे मिल जा रहा है, वरना इसका दाम 29 पे रहता है। तो अभी हम लोगों ने सब चीज़ खरीद लिया है, एक रैम और एक ग्राफिक कार्ड जिसका बिलिंग अभी पीछे हो रहा है। तो ग्राफिक कार्ड का प्राइस था 27,500, आज सेल चला है इसलिए, वरना बाकी दिन पाइएगा तो उसका दाम होगा 29,000। और रैम था 1800 का 8GB वाला। तो फाइनली हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं, हम लोग ले लिए अपना सामान वामान, अब जाते हैं आपको दिखाते हैं मिलते हैं घर पे। अब यहाँ पर हम लोग बिना कैरी बैग के सामान लेकर जा रहे थे, इसलिए मैं दोबारा घूम कर कैरी बैग लेने के लिए गया था। यहाँ पर देखो तो मुझे रास्ते में क्या मिला, फ्लेम हाशिरा रेनगोकू।
फिर से आ गए हैं पैदल बाइक से उतर के, क्योंकि फिर से हमें को रोड क्रॉस करना था। तो अभी हम लोग यहाँ सामने में एक सुजाता हॉल नाम का सिनेमा हॉल है, इंडिया का रांची का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमा हॉल है। इसके बाद फिर हम लोग रास्ते में बर्गर खाने के लिए रुकते हैं, और यहाँ पर मैं फूड ब्लॉगर्स की तरह घुस घुस कर रिकॉर्ड कर रहा था, और इनका बर्गर सच में काफी ज्यादा टेस्टी था। तो अभी हम लोग बर्गर खाने जाते हैं, तब तक आप इस टाइम लैप्स का मजा लीजिए। हम लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ पे दुकान के पास आए हैं, जो कि फिरायलाल नेक्स्ट के ऑपोजिट में। बारिश छूटेगा तब जाएंगे, क्योंकि अगर अभी हम चल गए ऐसे में तो फिर हम लोग का जो सामान है सब भीग जाएगा। जय श्री राम। अपने सामान को बचाते हुए तो फाइनली बारिश से बचते बचाते हम लोग घर पहुँच जाते हैं, और अब बारी है अपने सामान की अनबॉक्सिंग करने की। लेकिन सबसे पहले हमें अपने सीपीयू को अनबॉक्स करना होगा, जिसके बाद शुरू होगा इसका असली ऑपरेशन। तो अब फाइनली ग्राफिक कार्ड को अनबॉक्स करने की बारी आ गई है। और अब बारी है रैम को अनबॉक्स करने की। फाइनली अब पीसी का सेटअप पूरा हो चुका है, जो ग्राफिक कार्ड हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे और रैम वो अब कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये है वो ग्राफिक कार्ड जो लग चुका है, इसमें भी फैन लगा हुआ है नीचे में जो कि अभी बंद है, और ये रैम वो भी लग चुका है। तो लग चुका है अब ग्राफिक कार्ड। देखता हूँ मैं अपना जो फेवरेट गेम खोल के क्या है इसका सिस्टम। एक मिनट, पहले अपना स्पीकर को रिफ्रेश भी तो नहीं किया अभी तक। जा लाइट ही कट गया, बताओ। अभी सेटअप करके सब खोलने वाला था अपना गेम, तो लाइट ही कट गया। चलो कोई बात नहीं, लाइट आएगा तब देखेंगे। देखो लाइट अब दोबारा से आ तो गया है, लेकिन भाई बताऊँ रांची का लाइट का सिस्टम ना बहुत ख़राब है, बहुत अटकता है भाई, बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ। लाइट आ गया है, अब चलाते हैं अपना गेम, देखते हैं ग्राफिक्स बढ़ा हुआ में कैसा नज़र आता है। तो जल्दी दिखाता हूँ आपको भी Genshin Impact। तो दोस्तों यही रहा आज का वीडियो, यहीं पर ख़त्म करते हैं व्लॉग। तो अब मैं जाता हूँ अपना ये गेम खेलने के लिए, थोड़ा सा ग्राफिक वाफिक चेक करूँगा, उसके बाद फिर आप लोगों को मेरे चैनल पर गेमिंग वाला वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।